पानीपत में 3 घंटे के चक्का जाम में दिल्ली जा रहे पंजाब के बहुत से किसान फंस गए, पर बुरा मानने के बजाय उन्होंने 3 घंटे वहीं गुजारे। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो जोश देखने लायक था। दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए पंजाब से आए तो ये जीटी रोड का जो रास्ता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत एक प्रमुख मार्ग है दिल्ली पहुंचने का, तो ये पानीपत का टोल है। आज चक्का जाम के वक्त भी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो पंजाब किसान आंदोलन में किसानों के पास जाना चाह रहे थे, वो स्वेच्छा से रुक गए। उनका ये कहना है कि हम समर्थन में रुके हैं, जाना चाहे तो जा भी सकते हैं लेकिन हम समर्थन के लिए यहाँ रुक गए हैं, इसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे किसान है, इनका ये कहना है कि जितने लंगर लगे हुए हैं पंजाब से और दिल्ली के बीच, जहां जहां लंगर लगे हुए हैं इनके पास पूरी लिस्ट है, इन्हें पता है कि लंगर जहां जाए उनको आटे की जरूरत है, चीनी, पानी, किसी भी तरह के राशन की जरूरत है, तो इनका काम राशन सप्लाई करना है पूरी जीटी रोड बेल्ट में। तुसी दसो आज सेवा जड़ी तुसी कर रहे हो, केड़ी केड़ी चीजा तुसी लंगर वाले स्थल पे देते हो? खास करके पानी का साढ़े को प्रबंध है, पानी अभी 4000 पेटी एक ट्रक के नाल ट्राली के नाल लैके आए हैं, जिते सानू लोड़ पैंदी पानी देने, आटे की लोड़ पैंदी ते आटा देने, खंड, चीनी, गंढे ते आलू ते नाल अचार की साढ़े को खास वक्त है, ये जिथे जिथे लोड़ पैंदी अभी जरूर देके जावांगे। आज सेवा तुसी कदों तो कर रहे और कौन है सहयोग कर रहे? ਸਾਡੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੰਡਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਟਰੋਲੀਆਂ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਕਿ ਹਮ ਚੂੰਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ ਹਮ 3 ਘੰਟੇ ਯਹੀਂ ਰੁਕੇਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਂਗੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਦਿੱਲੀ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ आंदोलन में, तो हम नहीं जाएंगे फिर। अच्छा, आप तो हरियाणा वाले हो? हाँ जी, आप बताओ। हम नहीं जाएंगे, पंजाब हरियाणा नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा जी? आंदोलन हमारा है, हम किसान है, हम नहीं अपनी आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? 26 जनवरी की जो घटना है वो उसकी निंदा होनी चाहिए, सब लोग कह भी रहे हैं, लेकिन आंदोलन पुराने दिनों में 26 जनवरी से पहले जो जोश था, जो आप मांग मंगवाने का दबाव बना रहे थे, उस तरह की रंगत ले रहे थे आंदोलन, उससे हमारे किसान भी शर्मसार किए हैं कुछ शरारती तत्वों ने। वो बीजेपी का आदमी था, आपने स्पष्ट देखा है, अब मीडिया वाले आप तो हमारे से ज्यादा नॉलेज रखते हो, जिसका मोदी के साथ मेरा फोटो नहीं, आपका फोटो नहीं, उसका जो फोटो है मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, कोई ऐसे वैसा तो आदमी नहीं है, बहुत पहुंची हुई चीज है, तभी तो उसका उसके साथ फोटो है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। हम उसके लिए, हमारे किसान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, वो बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा था हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए, वो लेकिन सफल नहीं हुआ, हमारे में पहले से कई गुना ज्यादा जोश आ गया। और ये क्या सोच रहे थे कि टिकैत जी को या चुड़नी जी को या हमारे और जितने जत्थेबंदियां हैं रात को उठा देंगे? सरकार इस बहम में न रही हो, जाट को मरा जब मानियो, जब 13वीं हो जाए उससे पहले मरा ना मानियो गवर्नमेंट, अगर हमारे 5 किसान भी बैठे हैं ना, उनको उठाने की कोशिश ना करे। अब इनका ये कहना है कि आज 6 फरवरी का चक्का जाम कामयाब रहा है, इसका हौसला बुलंद है और शांति बनाए रखने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब इनको अपने संयुक्त किसान मोर्चा के अगले फैसले का इंतजार है, अगला आदेश क्या होता है उस मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।